हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे पीछे से मतलब आवाज़ लगा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चों का भी आवाज़ आ जाएगा, तो उसे इग्नोर करिएगा। और अभी सुबह सुबह सबसे पहले मैं नहा चुकी थी, घर की क्लीनिंग भी हो गया था मेरा। तो पानी मतलब जैसे कि नहाने के बाद पानी ख़त्म हो जाता है टंकी में, तो जब नहा के आती हूँ, पूजा वगैरह हो जाता है, तो मैं पानी पहले भर लेती हूँ। और ये एक दाने का डब्बा था, छवि ऊपर से उतारी थी तो मतलब इस पर गंदगी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि छवि से बोल दिया था कि अभी रखना मत, साफ़ कर दूँगी तब रखना, तो वही धुल के रख देती हूँ। यहाँ हस्बैंड भी उठ चुके हैं, तो उनका भी मैं मतलब बेड जो है उनका भी बेड मैं क्लीन कर देती हूँ। और फिर उसके बाद आ जाती हूँ मैं सीधे मशीन में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि संडे का दिन है, बच्चों का ड्रेस है, आपको पता ही है सब हाउसवाइफ का ये काम होता होगा। संडे को बच्चों का ड्रेस, हस्बैंड का जो कपड़ा होता है, मोजा, बाकी जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो संडे को एक्स्ट्रा ही निकल जाता है, तो उसे वॉश करना, तो मैं लगा देती हूँ मशीन में कपड़े। हेलो, कैसे हैं फ्रेंड्स? तो आज अंकल गए, प्रीसु बोल रही, अंकल गए। तो आज जो दिन है, संडे है, तारीख है 27 और सुबह के बज रहे हैं 10:10 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। क्लीनिंग हो चुकी है, मैं नहा भी चुकी हूँ, पूजा भी हो चुका है, बच्चे भी नहा लिए हस्बैंड। तो चलिए अभी चलते हैं चाय बनाने। और यहाँ देखिए मशीन जो है अपना काम कर रहा है, मैं भी चलती हूँ अपना काम करने के लिए। तो अभी आ गई हूँ किचन में और चढ़ा लेती हूँ पहले चाय, क्योंकि नहाने के बाद जब आती हूँ ना तो मुझे चाय चाहिए होता है, जैसे एक नशा होता है ना कि अभी नहा लिया है तो चाय चाहिए। चाहे जब भी मैं नहाऊँगी, अगर मैं 6 बजे नहाऊँगी तो भी मुझे नहाने के बाद चाहिए चाय मतलब चाहिए होता है, या 10 बजे नहाऊँगी तो भी मुझे नहाने के बाद चाय चाहिए होता है। तभी मैंने चाय चढ़ा लिया है और दाल धुल ली है। दाल सिंपल है, अरहर की दाल है, मैंने उसे वॉश कर लिया है 2-3 बार, और नमक हल्दी डाल के बस इसे लगा दूँ मतलब गैस पे चढ़ा दूंगी, और 2-3 सीटी आने के बाद इसका फ्लेम जो है वो कम कर दूंगी। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी। तो दोनों साइड में मैंने 2 चीज़ें रख दिया है, और अभी मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि रोटी बना के रख दूंगी। मुझे रोटी बनाना बहुत टिटिम्मा वाला काम लगता है, तो रोटी पहले मैं बना लूँगी। तो अभी रोटी बन चुकी है, चाय मैंने पी लिया है, और दाल भी बन गई है, और अभी मैं आ जाती हूँ सब्जी कट कर लूँगी। तो आज बनाऊँगी मैं आलू बोड़ा की सब्ज़ी और पालक की दाल, मतलब दाल फ्राई करूँगी तो उसे पालक भी डाल दूँगी। और पालक की सब्ज़ी जब मैंने बनाई थी तो थोड़ा सा पालक मैंने निकाल के इसीलिए रख दिया था कि दाल में तड़का लगाते समय मैं दाल में इसे डाल दूँगी, बहुत टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ना लाइक बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और आप लोग भी जानते हो कि आप लोग का सपोर्ट जब मुझे मिल जाएगा तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लोग लाइक करिए, जब मेरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगे तो ही आप लोग लाइक करिए, पर लाइक ज़रूर करिए। अच्छा लगने के बाद ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिए, लाइक करके जाइए। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो, नीचे वाला रेड बटन प्रेस कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगी उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेंगे और मेरे वीडियो को आप एंजॉय कर पाओगे। और आप लोग से बातें करते करते सब्जी भी कट गई, और सब्जी मैंने वॉश करके रख दिया है, और अभी साग भी मतलब पालक जो है उसे भी मैं वॉश करके और इसे भी मैं कट कर लूँगी, और प्याज कट कर लूँगी, लहसुन भी कट कर लूँगी। चावल धुल के रख दिया है साइड में, बस मुझे सीटी लगाने की देर है। और अभी मैंने ले लिया है, कढ़ाई गरम कर लिया है, उसमें मैंने ले लिया था थोड़ा सा ऑयल लिया था आज। अब बोड़ा डाल के इसे हल्का सा बस सौते कर लूँगी, फ्राई नहीं करना है मुझे। और अभी मैंने सारे बोड़ा मतलब जो जितना भी बोड़ा था वो निकाल लिया है, फिर से मैंने तेल डाल दिया है, मेथी का तड़का लगा दिया है, मेथी गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज अच्छा सुनहरा कलर हो गया है, स्मेल अच्छा आने लगा है, तो मैंने इसमें कूटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, पेस्ट नहीं थोड़ा दरदरा ही कूटा था। और दूसरे साइड में देखिए मैं दाल वाली पालक बना रही हूँ, तो उस कढ़ाई में मैंने तेल गरम करके जीरा लहसुन अदरक और लाल मिर्च से तड़का लगा दिया है, और इधर प्याज अच्छे से मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया था, और मिर्च और लहसुन अदरक भी, तो मैंने इसमें आलू बोड़ा डाल के इसे अच्छे से चला के छोड़ दिया है। 5 मिनट मतलब 2-4 मिनट इसे भूनूंगी। और दूसरे साइड में दाल फ्राई के लिए मैंने प्याज डाल दिया, प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद टमाटर और पालक डाल दिया है, इसे कवर कर दूंगी। और पालक जब पूरा एकदम अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा, जब उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, तो मैं इसमें दाल डालूंगी। इधर देखिए सब्जी में मैंने डाल दिया है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, वही रूटीन के मसाले हैं, और इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स।
मिक्स करने के बाद कवर कर दूंगी और इसे तब तक पकाना है जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। और अभी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है पालक में, इसलिए कि नमक डालते ही पालक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए सॉफ्ट हो गया था, कितना कम बचा था ना सॉफ्ट, मतलब नमक डालने के बाद इसकी क्वांटिटी जो है बहुत कम हो जाती है। फिर मैंने उसमें दाल ऐड कर दिया और गरम मसाला और देसी घी ऊपर से डाल दिया। उबाल आने के बाद अब दाल जो है वो बन गई है, सब्जी भी बनी गई है। बस थोड़ा सा इसका जो है थोड़ा मैं इसे भून लूँगी। आलू तो पक ही गया है और दाल ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्तन में, कढ़ाई को रख दूँगी सिंक में। और इसे इस तरह से आप दाल बना के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे पालक पता भी नहीं चलता है, अगर दाल के साथ आप पालक डाल दोगे ना तो वो टेस्ट नहीं आता है जो इस तरह से आता है। चावल मैंने चढ़ा दिया, आलू भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं कढ़ाई कर दूंगी बंद, उसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोग से शाम को। और रुपेश आज चाय बना के लाया था और बहुत टेस्टी चाय बनाया था। फ्रेंड्स अभी मैंने चाय पी लिया है और अभी जा रही हूँ मैं दुकान पे जो होली वाले साड़ी का। अच्छा ठीक है, बैठो बांध रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने ब्लाउज को स्टिच करने के लिए देने के लिए जो होली पे मैंने लिया था, और एक सूट है उसे भी दे दूंगी स्टिच होने के लिए। तो पहले छवि का बांध लेती हूँ बाल, तो छवि का बाल मैं कॉम कर देती हूँ। और आज बोल रही थी छवि की मम्मी मेरा दो चोटी बनाइएगा, और इसके बाल में ना जू पड़ गए हैं क्योंकि स्कूल जाती है, घर पे रहती है तो नहीं पड़ते हैं, पर जब स्कूल जाना शुरू करती है ना तो इसके बाल में जुआ जो है पड़ जाता है। और कितनी अच्छी लग रही है दो चोटी में छवि। और अभी चली जाती हूँ मार्केट, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस पास में ही है तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं और ले आई हूँ समोसा, बाकी सब लोग अभी खा लेंगे, मैं नहीं खाऊंगी। ले लो रुपेश खा लो। और मुझे लगी है जोरों की प्यास तो मैं अभी पी लेती हूँ पानी, क्योंकि छवि पानी लेके आ रही है तो मैं अभी पानी पी लेती हूँ। क्या ला रही हूँ छवि? क्या तो देखिए फ्रेंड्स ज्योति मुझे समोसा खिला रही थी पर अभी आप लोग से मतलब चली गई आप लोग को देख के, तो रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ज्योति, देखो इधर देखो ये। अभी मैं भी पानी पहले पी लेती हूँ, अंडा मैंने चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। और पानी क्या हुआ बोलो, बिस्किट कौन खा गया? अरे ये बिस्किट खा गए, ये तुम पानी समोसा खा लो। नया लग रहा मेरे ही भाग से आया था ये समोसा, तुम इसका इतना समोसा ले लो। एक कटू खा लो, छह रुपए से भी खा लो कटू। लीजिए फ्रेंड्स खा लीजिए समोसा आप, तो पहले आप खा लीजिए फिर मैं खा लेती हूँ। तो ज्योति ना बहुत ज़्यादा शर्माती है इसलिए मैं कभी कैमरे के सामने उसे नहीं लाती हूँ, पर आज उसको लेकर आ ही गई। तो चलिए आज ज्योति आ गई, आप लोग से मिल ली और आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने ज्योति को भी देख लिया। ऐसे मैं बात करती हूँ पर आप लोग कभी देखे नहीं थे, तो ज्योति से मिल लीजिए, वो ज़्यादा नहीं आती है। और अभी देखिए मैंने कट कर लिया है सारा सब्जी जो भी मुझे अंडे में चाहिए था अंडे करी के लिए, और मैंने पीस लिया है मसाला, लहसुन अदरक प्याज यही सब, टमाटर नहीं पीसा है। और अभी अंडा बॉयल करके रख लिया था, इसे मैंने फ्राई भी करके रख लिया है। और ये अंडा जो है बच्चों को दे दूंगी नाश्ता, जैसे कि छवि और रुपेश कड़ी में नहीं खाते हैं अंडा, तो उन लोग को इस तरह से दे देती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं, नाटक नहीं करते हैं। वैसे अगर अंडा करी दूंगी तो बहुत ज़्यादा नाटक ये लोग करेंगे। तो आज ये फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको नहीं है ये। तो अभी देखिए फिर से मैंने तेल गरम कर लिया है और डाल दिया है इसमें जीरा तेजपत्ता, जब मतलब थोड़ी देर के बाद फिर मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज जब सुनहरा हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन जो मैंने बनाया था, मतलब मसाले जो बनाए थे मैंने, जैसे कि अदरक लहसुन प्याज वगैरह जो पीस लेते हैं बस वही सब। और डाल देती हूँ रूटीन के मसाले, हल्दी नमक कश्मीरी लाल मिर्च, और डाल दिया था थोड़ा सा पानी। तब मसाला जब भुन गया था तो इसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा और पानी, क्योंकि हम दो ही लोग को खाना है और ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बहुत कम पानी डाला था। और एक ऑमलेट वाला मैंने डाला था, कभी नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगी तो उसका भी शेयर करूँगी आप लोग से। तो अभी अंडा करी बन के रेडी है, निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में और इसी कढ़ाई में मैं चढ़ा दूँगी चावल, क्योंकि कुकर ना बहुत मतलब धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो सिर्फ ज्योति चावल खाएगी उसके लिए मुझे चावल बनाना है, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे भी नहीं खाएंगे, तो बस उसके लिए दो मुट्ठी चावल बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि इसी कढ़ाई को धुल के इसी कढ़ाई में मैं चावल चढ़ा दूँ। अच्छा अभी कुछ पूछ रही थी ज्योति, रोटी बना रही थी तो ज्योति से पूछ रही थी कि मौसी ये क्या है, तो वही उसे समझा रही थी वो।
और आज का ब्लॉग यहीं तक का था। पूरा दिन भर लग जाता है फ्रेंड्स शूट करने में, आप प्लीज़ फुल वॉच किया करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज़ अपना मतलब प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ने की कोशिश करिए, जुड़िए। मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाती हूँ, अच्छे अच्छे रेसिपी लाती हूँ और मेरी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, जैसे कि अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर में, सभी लोग के साथ आप लोग शेयर भी किया करिए। तो अभी मैंने लगा दिया है, मतलब रख रही हूँ अपने लिए पानी गर्म करके, क्योंकि अभी मैं गर्म पानी पी रही हूँ और मुझे लगता है मैं पीती रहूँगी, तो अच्छा है सेहत के लिए भी, अच्छा है गर्म पानी। तो देखिए अभी चावल धुल के मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में और बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तो गुड नाइट फ्रेंड्स।